क्या आप ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर के टेंस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपकी पर्सनल जानकारियां हैकर के हाथ लग जाएगी? और क्या आप भी अपने ईमेल्स, ऑनलाइन शॉपिंग और बिल्स पेमेंट को सिक्योर रखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा करना अब पॉसिबल है, क्योंकि ऑनलाइन प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए VPN अवेलेबल है। जी हाँ, लेकिन ये VPN क्या है और ये कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, ये जानने के लिए आपको क्विक सपोर्ट का ये वीडियो देखना होगा, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा और आपको VPN के बारे में डिटेल में सारी जानकारी भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और VPN के बारे में डिटेल में जानते हैं। अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क पर वेब सर्फिंग करना या फिर ट्रांजैक्शन करने का मतलब है अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन और ब्राउजिंग हैबिट्स को एक्सपोज कर देना। वैसे सोचने में ही ये इतना डेंजरस लगता है, लेकिन VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क्स यूज करते टाइम आपको प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। ये आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करता है और आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी को हाइड कर देता है। ऐसे में थर्ड पार्टीज के लिए आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करना और आपका डेटा चुराना मुश्किल हो जाएगा। VPN आपके PC स्मार्टफोन को सर्वर कंप्यूटर पर कनेक्ट करता है और आप उस कंप्यूटर के इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके इंटरनेट पर ब्राउज कर सकते हैं। VPN लीगल होते हैं और इनका यूज पूरी दुनिया में इंडिविजुअल्स भी करते हैं और कंपनीज भी करती है, ताकि अपने डेटा को हैकर से प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका यूज ऐसी कंट्रीज में भी किया जाता है जहां पर हाईली रिस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट होती है। VPN के बारे में इतना जान लेने के बाद ये तो समझ में आ ही गया होगा कि पब्लिक नेटवर्क पर अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए VPN का यूज किया जा सकता है। लेकिन ये VPN काम कैसे करता है? तो जब आप एक सिक्योर VPN सर्वर पर कनेक्ट होंगे तो आपका इंटरनेट ट्रैफिक एक एनक्रिप्टेड टनल से गुजरता है, जिसे कोई नहीं देख सकता, यानी ना तो हैकर्स, ना गवर्नमेंट और ना ही आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी आपके डेटा को रीड नहीं किया जा सकता। VPN कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए दो सिचुएशंस देखते हैं। पहली VPN के बिना और दूसरी VPN के साथ। जब हम बिना VPN के वेबसाइट का एक्सेस लेते हैं तो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के जरिए साइट पर कनेक्ट कर पाते हैं। ISP हमें एक यूनिक IP एड्रेस देता है, लेकिन क्योंकि ISP ही हमारा पूरा ट्रैफिक डायरेक्ट और हैंडल करता है, वो उन वेबसाइट्स का पता लगा सकता है जिन पर हम विजिट करते हैं। तो ऐसे में हमारी प्राइवेसी सिक्योर कहाँ हुई? चलिए अब बात करते हैं विद VPN, यानी कि VPN के साथ। जब हम VPN के साथ इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारी डिवाइस पर जो VPN ऐप होता है उसे VPN क्लाइंट भी कहा जाता है, और वो VPN सर्वर से सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। हमारा ट्रैफिक अभी भी ISP के थ्रू पास होता है, लेकिन ISP इस ट्रैफिक के फाइनल डेस्टिनेशन नहीं देख पाता, और जिन वेबसाइट्स पर हम विजिट करते हैं वो हमारा ओरिजिनल IP एड्रेस नहीं देख पाती। अच्छा, पर VPN की जरूरत क्यों पड़ी? VPN को सबसे पहले 1996 यानी कि 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, ताकि रिमोट एम्प्लॉयज, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज जो उस ऑफिस में बैठकर वर्क नहीं करते बल्कि उसके बाहर रहते हुए कहीं से भी वर्क करते हो, वो एम्प्लॉयज कंपनी के इंटरनेट नेटवर्क पर सिक्योर एक्सेस ले सके। लेकिन जब ऐसा करने से कंपनी की प्रोडक्टिविटी डबल हो गई तो बाकी कंपनीज भी VPN को अडॉप्ट करने लग गई। ओके, तो हमें VPN का यूज कब कब करना चाहिए, अगला सवाल। और इसका जवाब है, अगर प्राइवेसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको हर बार इंटरनेट से कनेक्ट करते टाइम VPN का यूज करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिनमें आपको जरूर से VPN का यूज करना ही चाहिए, जैसे स्ट्रीमिंग के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान, पब्लिक वाईफाई यूज करते टाइम, गेम खेलते टाइम और शॉपिंग के टाइम। VPN कैसे वर्क करता है और इसे कब यूज में लेना चाहिए, ये जानना इंटरेस्टिंग था, है ना? लेकिन अब आगे ये जानते हैं कि क्या VPN के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। तो जी हाँ, VPN के दो बेसिक टाइप्स होते हैं, रिमोट एक्सेस VPN और साइट टू साइट VPN। रिमोट एक्सेस VPN के जरिए यूजर्स दूसरे नेटवर्क पर एक प्राइवेट एनक्रिप्शन टनल के जरिए कनेक्ट हो पाते हैं। इसके जरिए कंपनी के इंटरनेट सर्वर या पब्लिक इंटरनेट से कनेक्ट हुआ जा सकता है। साइट टू साइट VPN को राउटर टू राउटर VPN भी कहा जाता है। इस टाइप का यूज ज्यादातर कॉर्पोरेट एनवायरमेंट्स में किया जाता है, खासकर जब एक एंटरप्राइज के कई डिफरेंट लोकेशंस पर हेडक्वार्टर्स होते हैं। ऐसे में साइट टू साइट VPN ऐसा क्लोज्ड इंटरनल नेटवर्क क्रिएट कर देता है जहां पर सभी लोकेशंस एक साथ कनेक्ट हो सके। इसे इंट्रानेट कहा जाता है।
VPN से होने वाले बेनिफिट्स को एक साथ देखें तो इसके यूज से आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आईपी एड्रेस और लोकेशन, स्ट्रीमिंग लोकेशन, डिवाइसेस और वेब एक्टिविटी हाइड हो जाती है। लेकिन बेनिफिट्स के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि कंपैरेटिवली स्लो स्पीड, नो कुकीज प्रोटेक्शन और नॉट टोटल प्राइवेसी। इतना सिक्योर होने के बावजूद VPN को कंप्लीट प्राइवेसी प्रोवाइडर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हैकर, गवर्नमेंट और ISP से तो डेटा को हाइड कर सकता है, लेकिन खुद VPN प्रोवाइडर चाहे तो आपकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ऐसे में एक ट्रस्टवर्दी VPN प्रोवाइडर से ही सर्विस लेना बेहतर होता है, और एक सही VPN प्रोवाइडर का पता आपको इन पॉइंट्स के जरिए लग जाएगा। VPN सफिशियंट स्पीड ऑफर करे, आपकी प्राइवेसी सिक्योर रहे, प्रोवाइडर लेटेस्ट प्रोटोकॉल का यूज करे, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, उसकी डेटा लिमिट्स आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करती हो, सर्वर की लोकेशन आपको पता हो, आप मल्टीपल डिवाइसेस पर VPN एक्सेस ले सकते हो, VPN का कॉस्ट सूटेबल हो, हाईएस्ट एनक्रिप्शन अवेलेबल हो, बेस्ट कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, फ्री ट्रायल अवेलेबल हो और एड्स ब्लॉक करने की फैसिलिटी हो। ओके, तो ये जान लेने के बाद अब VPN को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है या नहीं, आइए जानते हैं। हाँ, ऐसी सभी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है उनमें VPN का यूज हो सकता है, और ज्यादातर VPN प्रोवाइडर्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर ये सर्विस दिया करते हैं, जैसे लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, वॉइस असिस्टेंट्स, स्मार्ट अप्लायंसेस और स्मार्ट टीवी पर। बहुत से टॉप प्रोवाइडर्स अपने VPN का फ्री वर्जन भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन फ्री वर्जन की लिमिटेशंस हो सकती है, जैसे कि डेटा लिमिट, जबकि कुछ VPN प्रोवाइडर्स पेड वर्जन्स का फ्री ट्रायल प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे में VPN लेते समय बजट देखा जाना तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो VPN आपको बेसिक फीचर्स तो जरूर से प्रोवाइड कराता हो, जो है प्राइवेसी। एक्सप्रेस VPN, टनल बियर और स्ट्रॉन्ग VPN कुछ ऐसी साइट्स है जहां से अपने विंडोज, PC, मैक, एंड्रॉइड, आईफोन और iPad के लिए VPN क्लाइंट डाउनलोड किया जा सकता है और फ्री ट्रायल्स लिए जा सकते हैं। आपको अंदाजे के लिए बता दें कि एक्सप्रेस VPN का मंथली प्लान $12.95 का होता है और एनुअल प्लान $8.32 पर मंथ का। और दोस्तों, इसी के साथ VPN रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट हो गई है, और हम यहाँ पर एक और बात आपसे कहना जरूरी समझते हैं कि ये VPN जैसी सर्विसेज हमें ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी देने के लिए है, तो हम इसका यूज अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह के इलीगल या अनएथिकल वर्क में इसका फायदा लेना हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए सही डायरेक्शन में ही चलते रहिए, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन खुशनसीबी समझिए कि सफर जारी है। क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है ये जानकारी आपके काम आई होगी, और इसे बाकी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं। और जिन लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।